हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ हेयर रिमूवल की। और हेयर रिमूवल एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमें हर महीने, हर 15 दिन या हर हफ्ते करना ही पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर यू चूज। एंड ये बहुत ही ज्यादा टायरिंग प्रोसीजर होता है जिससे हम सब अग्री करेंगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा सोल्यूशन लेके आए जिससे हमारे हेयर ग्रोथ धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए। सो आजकल एक प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है जो आपके हेयर ग्रोथ को ग्रेजुअली कम होते होते फिनिश कर देगी। तो मैंने सोचा मैं भी इसको ट्राई करती हूँ और इसका रिव्यू शेयर करती हूँ आपके साथ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल हेयर इनहिबिटर, ये आपको परमानेंटली फ्रीडम दिलाएगा फ्रीक्वेंट हेयर रिमूवल से। जो हमें बार बार हेयर रिमूवल करनी पड़ती है उसका ये परमानेंट सोल्यूशन है। सबसे पहले गाइस, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये हेयर रिमूवल सोल्यूशन नहीं है, ये नेचुरल हेयर इनहिबिटर है। यानी ये इनहिबिट करेगा हेयर ग्रोथ होने से, बालों को बढ़ने से रोकेगा, उन्हें धीरे धीरे सॉफ्टन करेगा और जड़ से खत्म करेगा। यानी आप जो भी हेयर रिमूवल मेथड को फॉलो करते हैं, फिर चाहे वो वैक्सिंग हो, थ्रेडिंग हो, एप्लीकेटर हो, रेजर हो, कुछ भी हो, पहले आपको अपने बालों को रिमूव कर लेना है और उसके बाद इस नेचुरल हेयर इनहिबिटर को लगाना है एज अ मॉइस्चराइजर। यानी कि आपको बालों की ग्रोथ पे इसे नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हैंड्स पे ऑलरेडी हेयर ग्रोथ हो रखी है तो मैं इसको यूज नहीं करूंगी। सबसे पहले मैं हेयर्स को रिमूव करूंगी, चाहे वैक्सिंग से करूँ, किसी से भी करूँ, उसके बाद मैं इसे एज अ मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। यानी कि आपको हेयर ग्रोथ पे इस लोशन को नहीं अप्लाई करना है, आपको हमेशा अपने क्लीन हैंड्स पे अप्लाई करना है। यानी आप जब वैक्सिंग कराते हैं तुरंत बाद आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ लोशन अप्लाई कर लें और 1 वीक तक यूज करें। जैसे ही आपको लगे कि हेयर ग्रोथ आने लगी है तो आप इसे यूज ना करें। दोबारा से जब आप शेव करते हैं, दोबारा से जब आप वैक्सिंग कराते हैं और आपके हैंड्स लेग्स क्लीन हो जाते हैं, उसके बाद आप इसे यूज करेंगे। सो गाइस, चलिए एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ आपको इसे कैसे अप्लाई करना है। सो गाइज, ये है न्यूड एक्सपोज योर सेल्फ नेचुरल हेयर इनहिबिटर फॉर अनवांटेड बॉडी हेयर, हेयर इनहिबिटर, हेयर रिटार्डर। 80 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। इट्स की क्वालिटीज आर परमानेंट हेयर ग्रोथ रिडक्शन, नो मोर अनवांटेड बॉडी हेयर, मिनिमाइज नीड फॉर हेयर रिमूवल, स्मूदर स्किन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, पेनलेस एंड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा क्लासी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ग्लास बॉटल होने की वजह से डबल लेयर पैकेजिंग में आता है। ये ऐसे पंप बॉटल में आएगा तो इजी टू अप्लाई भी रहता है। इसे आपको अपने क्लीन हैंड्स पे, यानी कि वैक्सिंग या शेविंग कराने के बाद यूज़ करना है। हैंड्स एंड लेग्स कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करते हुए अप्लाई करना है। एज अ मॉइस्चराइजर आप इसे डेली ट्वाइस अ डे यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है इसका एप्लीकेशन। और रेगुलर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके हेयर ग्रोथ को रिड्यूस करेगा, इनहिबिट करेगा हेयर ग्रोथ होने से। सो आई होप गाइस, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इसका एप्लीकेशन, आपको कब इसे यूज करना है, कब नहीं करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मॉइस्चराइजर या एक लोशन के फॉर्म में है तो इजी टू अप्लाई है। डेली ट्वाइस अ डे आप इसे यूज कर सकते हैं, एक बार मॉर्निंग में, एक बार नाइट में। और आपकी हेयर ग्रोथ धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगी, ग्रेजुअली होगी, एकदम से नहीं होगी गाइस। तो ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि तुरंत ही नेक्स्ट टाइम आपके बाल नहीं आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, पहले से आपके बाल सॉफ्टर हो जाएंगे, स्मूदर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा ब्लैक हेयर्स नहीं दिखेंगे। सो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो 3 बार वैक्सिंग कराने के बाद और रेगुलरली इस लोशन को यूज करने के बाद अब मेरे हेयर्स बहुत हद तक कम हो गए हैं, उनकी ग्रोथ बहुत हद तक कम हो गई है। एंड आई एम श्योर वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एंड गाइस, आप इसे अपनी बॉडी पे कहीं भी यूज कर सकते हैं, जहां भी आप अपने बॉडी हेयर को रिमूव करते हैं, इवन योर प्राइवेट पार्ट्स, इवन योर अंडरआर्म्स, इवन योर फेस पे भी, साइड बम्स पे, अपर लिप्स पे मैं यूज करती हूँ, आप चाहें तो वहां कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है ये। सो गाइस, कौन नहीं चाहता है परमानेंट हेयर रिमूवल सॉल्यूशन, तो इसे ट्राई जरूर करिएगा, पेशेंस के साथ ट्राई करिएगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। परचेज लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे दी है, आप वहां से जाके इसे ले सकते हैं और इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। सो कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं मुझसे तो मुझसे बताइएगा, मैं जरूर शेयर करूंगी आपके साथ।
वीडियो को लाइक करिएगा गाइस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।